Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड लेके मैं हाजिर हूं। शॉकिंग इसके लिए क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया है। नंबर 12 से बात करते हैं। पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, हंगरी स्पिरिट्स 18 ट्विटर के ऊपर जाके आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि लेटेस्ट न्यूज अभी ट्विटर के ऊपर भी हमने डालनी शुरू कर दी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 12 पे कौन है। नंबर 12 पे करणनाथ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करणनाथ की एविक्शन होगी इसमें थोड़ा सा डाउट इसके लिए है, क्योंकि माधुरी दीक्षित का भी करणनाथ के सर पे हाथ है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, करणनाथ इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर जो कास्टिंग डायरेक्टर थे रिंकू राकेश नाथ, उनके पुत्र है और इन्होंने माधुरी दीक्षित को ये दीदी कह के बुलाते। राकेश नाथ माधुरी दीक्षित के बहुत समय तक मैनेजर रह चुके हैं और उनके काफी अच्छे संबंध हैं। तो माधुरी दीक्षित ने सबसे पहले जो है करणनाथ को विश की थी, ऑल द बेस्ट कहा था। तो जिसको ऑल द बेस्ट माधुरी ने कहा हो तो वो क्या इतनी जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा सा डाउट है। तो चलिए देखते हैं कि इसका शिकार अगला कंटेस्टेंट ना बन जाए कहीं। जी हाँ, नेहा भसीन। नेहा भसीन की गेम, हालांकि वो बहुत कोशिश करती है, स्विमिंग पूल में भी टीआरपी देने की कोशिश करती है और सब जगह लड़ाई झगड़े भी करती है, हर तरह का प्रयास वो कर रही है, लेकिन दर्शकों के दिल को टच नहीं कर रही है। इसी के लिए वो अभी 11 नंबर पे भैया बैठी हुई है। तो नंबर 11 पे है नेहा भसीन। नेहा भसीन का कनेक्शन भी साथ में है अभी, हालांकि थोड़ा सा उसने बोलना खुलना शुरू किया है मिलिंद गावा, हालांकि उसकी अपनी भी एज ए सिंगर भी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मिलिंद गावा नंबर 10 के ऊपर भी ही अटके हुए हैं। और नंबर 9 पे दोस्तों, जो के थोड़ा सा ऊपर थे बीच में, लेकिन अब से धड़ाम से नंबर 9 पे कैसे पहुंच गए, अब तो उन्होंने थोड़ा सा खेलना भी शुरू किया था, राकेश बापट यहां पे वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से 9 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राकेश बापट के बाद नंबर 8 पे निशांत भट्ट, यानी कि निशांत भट्ट का कनेक्शन जो है मूस जटाना, मुस्कान जटाना निशांत भट्ट से आगे निकल गई है, ऊपर पहुंच गई है। बहुत ही प्यारी लगी जब उसने कल ऐसे चेहरे पे ऐसे ब्लैक वो करके ऊपर लिखा हुआ था जंग, यानी कि जंग के लिए तैयार हूं। तो बड़ी क्यूट सी है, यंग जनरेशन टीनेजर खासकर मूस जटाना को बहुत वोट कर रहे हैं। दोस्तों, तो मूस जटाना पहुंच गई है भैया नंबर 7 पे, ये नंबर 6-5 पे भी पहुंच सकती है। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो नंबर 6 पे जिशान खान। जिशान खान की गेम मुझे बड़ी पसंद है। जिशान खान लॉजिकली बात करते हैं, ये सबसे खूबसूरत बात है जिशान खान की, कि उनकी बात में लॉजिक होता है। तो जिशान खान है नंबर 6 पे। तो अब देखते हैं कि टॉप 5 कौन से हैं। टॉप 5 में नंबर 5 पे हैं, जी हां दोस्तों, बहू हमारी रजनीकांत, रिधिमा पंडित। वो सीरियल में रिधिमा पंडित ने बहुत लोगों के दिल जीते थे, बहुत ही कमाल का काम किया था, तो इसके लिए उनकी पहले से भी फैन फॉलोइंग बनी हुई है। तो रिधिमा पंडित इसके लिए टॉप 5 में है नंबर 5 पे। तो नंबर 4 पे है, कभी 3 पे भी चली जाती है, कभी 4 पे चली जाती है, ये है नंबर 4 पे भोजपुरी की स्टार अक्षरा सिंह है नंबर 4 पे। तो अब रह गए टॉप 3। टॉप 3 में भैया शमिता शेट्टी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी वो नीचे आ जाती है। तो अब थोड़ा सा नीचे आ गई हैं, यानी के नंबर 3 पे पहुंच गए हैं शमिता शेट्टी। नंबर 2 पे ऊपर नीचे है कौन, प्रतीक सहजवाल और दिव्या अग्रवाल। तो आप दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजवाल पे में से कौन है नंबर 1 पे, बहुत ही मामूली फर्क है दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आपको मैं बता दूं तो, लेकिन दिव्या अग्रवाल नंबर 2 पे है। और प्रतीक सहजवाल के बारे में मैं ये कहूं, को जो दिखता है जो बिकता है, हर जगह पे वो पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं ताकि जो कैमरा उनके ऊपर रहे, ऐसे डायलॉग भी बोलते रहते हैं कि भैया शो फ्लॉप होने से बेहतर तो मुझे सजा मिल जाए, कोई बात नहीं मैं सजा कर लूंगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला के नक्शे कदमों पे वो चल रहे हैं, तो इसके लिए प्रतीक सहजवाल अभी भी है नंबर 1 पे। तो आपको कैसा लगा ये वोटिंग ट्रेंड, कमेंट करके बताइएगा।
और आपके हिसाब से किसको ज्यादा ऊपर नीचे होना चाहिए? तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।